अबीर की मां ने छीना अबीर से बेटे होने का हक, नीरजा ने किया सच का पता लगाने का फैसला। कलर्स टीवी शो नीरजा के अपकमिंग एपिसोड में हमें ये देखने मिलेगा जैसा कि अबीर अपने परिवार के खिलाफ जाकर दुनिया वालों के सामने इस सच को अपना लेता है कि सोनागाची की लड़की नीरजा ही है अबीर की पत्नी, और इस बात से है अबीर की मां काफी ज्यादा नाराज, जिसके चलते अबीर की मां आकर अबीर के हाथों में पानी का ढाल सौंप देती है और ये कहने लग जाती है कि आज से तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए मर चुकी है। अबीर की माँ की ऐसी बातें सुनकर अबीर और नीरजा काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अबीर की माँ का यह कहना है कि जब तक अबीर नीरजा को अपनी पत्नी मानता रहेगा तब तक अबीर की माँ अबीर को अपने बेटे के नाम पर नहीं अपनाएगी, और तो और उससे बेटे के सारे हक भी छीन लेगी। अबीर की माँ ने सुना दिया है अपना फैसला। अबीर की माँ का ये कहना है कि जब तक नीरजा अबीर की पत्नी है तब तक अबीर नहीं है उनका बेटा। अबीर इस बात से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है और नीरजा के सामने अपने दुख को करता है बयां। अबीर का ये कहना है कि उसकी माँ उसके लिए काफी ज्यादा जरूरी है और वो अपने माँ से अलग नहीं हो सकता। नीरजा भी अबीर की बातें सुनकर काफी ज्यादा दुखी हो जाती है, लेकिन नीरजा ये फैसला कर लेती है कि अब वो सच का पता लगा कर ही रहेगी, क्योंकि नीरजा को इस बात का अंदाजा हो जाता है कि जो भी सब हो रहा है वो किसी की रची गई साजिश है। तो क्या है आपका कहना इस पूरी अपडेट को लेकर, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।